अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सायरा सलीम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी काले चने, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 3 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी। अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, ये चनों को गलाने के काम आएगा। एकदम मैंने साइज़ की प्याज ली है और 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। ये हैं काले चने, हमने 1 पाव लिए हैं, ये रात को हमने भिगो दिए थे। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल के अब हमने इनका पानी निकाल लिया है, इन्हें दोबारा धो लिया है। हम इसे कुकर में बनाएंगे। फ्लेम आप ऑन कर लें। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, मैं आपको रेसिपी में ज़ीरा दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, जिसे हम स्टिर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा स्टिर फ्राई करें। ये चने हैं, हम इनका पानी निकाल लेंगे। प्याज ऐड कर दें, टोमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्चें, नमक, बेकिंग सोडा, यहाँ पे तकरीबन हम 4 गिलास पानी डालेंगे। चने ऐड कर लें। ये हमने बड़ा वाला ग्लास लिया है, ये आपने 4 गिलास पानी डालना। अब हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हम इसे 30 मिनट के लिए पकने देंगे। जब सीटी बोल जाए उसके बाद हमने इसे 30 मिनट के लिए रखना है। अगर आपने रात को चने नहीं भिगोए और आप ऑन द स्पॉट पकाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी उसकी रेसिपी भी, कि कैसे आप ऑन द स्पॉट चने अगर आपने रात को नहीं भिगोए तो आप पका लें, तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी डालूंगी। 30 मिनट हो गए हैं, आपने
ढक्कन हटा देना है। अगर उसमें पानी हो तो उसे खुश कर लेना है, पहले भून लेना है और फिर उसमें और फिर जितना पानी आप चाहें उसमें डाल लें, जितनी ग्रेवी आप चाहें, और फिर उसे डिश आउट कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ और ऊपर गरम मसाला डाल के सर्व करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।